कंट्रोल ब्रेक, सीसीबी का मतलब होता है। तो इसमें एक एक करके हम देख लेते हैं, आपको फोटो भी दिखाई दे रहा है। लोगों को एनर्जाइज करना, तरीका वही है। आपने देखना है कि लोगों सामान्य जांच कर ली, ट्रैक पे खड़ा है, ओएचई के नीचे खड़ा है, 110 112.1 को ऑन किया, ये सारा तरीका वही है। उसके बाद हम कैब में जाएंगे, और क्योंकि इसमें आपको एक ही चाबी मिलती है, इसमें आपको A9 का हैंडल इसमें फिक्स आता है। ये जो लाल रंग का आपको दिख रहा है ना, वो A9 का हैंडल है, जो आपको ये लाल रंग का दिख रहा है। उसमें हमको E70 वाले में क्या था, अलग से मिलता था, ठीक है। तो इसमें जो है, एक मिनट में आपको, हाँ, इसमें आपका ये जो दिख रहा है आपको, ये लाल रंग का जो हैंडल दिख रहा है, ये वाला, ये A9 का हैंडल है, क्लियर। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ पीले से। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये A9 का हैंडल है, क्योंकि ये इसमें फिक्स होता है। E70 में हमको अलग से मिलता था BL की और A9 का हैंडल, इसमें आपको केवल एक ही चाबी मिलती है, छोटी सी BL की। तो आपको लोगों पे आना है, आपने 110 112.1 को ऑन किया सामान्य जांच करने से पहले, उसके बाद BL की को सॉकेट में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूमेटिक चेंजेस हमको करने हैं। जब आप कैब में आओगे ना, तो आपको ये A9 FS पे लॉक मिलेगा, फुल सर्विस पोजीशन, ये FS पे का हुआ, इसमें एक लॉकिंग पिन के द्वारा लॉक मिलेगा। तो पीछे की कैब में भी लॉक होना चाहिए, आगे भी लॉक होगा, जहां भी आप, दोनों कैब में लॉक मिलेगा। और यहाँ पे एक स्विच आता है जिसको बोलते हैं मोड स्विच, MOD मोड स्विच। इसकी पोजिशन होती है ट्रेल लीड, सॉरी सबसे पहले लिखा है टेस्ट लीड ट्रेल और हेल्पर, HLPR। तो इसको वर्किंग कैब में हम लीड पर रखते हैं और नॉन वर्किंग कैब में ट्रेल पर रखते हैं। तो आपको पता है कि कौन सा वर्किंग कैब रहेगा, तो इसको आपको लीड पर रख देना है और BL की चाबी को लगाना है कहाँ पर, ऑफ पोजीशन पे लगा के डी पर ले जाना है। तो जब आप डी पर ले जाते हैं, तो पहले सेल्फ रेस्टिंग होता है, उसके बाद 504 का नोड आता है, तो हम पेंटोग्राफ को रेज करेंगे, सेम ऐसा ही है। फिर आपका 550 का नोड आएगा, तो VCB को क्लोज करेंगे, सेम वही पेंटो देखने के बाद, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप VCB क्लोज कर लेंगे, तो MR प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और इस लोको में यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है, ये छोटा सा स्क्रीन है, इसको EBV स्क्रीन बोलते हैं। ये जो छोटा सा स्क्रीन दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल, ये EBV स्क्रीन बोलते हैं, A9 की बॉडी पर ही होता है। तो इस स्क्रीन पे मैसेज आएगा OK to run, ठीक है। क्या आएगा? OK to run। तो आपको A9 के हैंडल को रन पे रखना है। इसमें A9 की न्यूट्रल पोजीशन नहीं होती है, जैसे E70 वाले में 6 पोजीशन थी, उसमें एक न्यूट्रल थी, इसमें न्यूट्रल नहीं होती, बाकी की सब होती है। तो आपको कहाँ रख देना है? उसको रन पे रखना है। तो जब आप उसको FS से रन पे रखेंगे, तो अब आपका BP प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, BP प्रेशर 5 kg बनेगा। तो ये आपका एनर्जाइज करना हो गया। मतलब एनर्जाइज कैसे किया हमने? सबसे पहले लोगों को चेक किया, सामान्य जांच की, हमको एक चाबी मिली, लोगो ट्रैक पे है, OHE के नीचे है। फिर हमको देखना है जो नॉन वर्किंग कैब है, वहां पे मोड स्विच को हमको कहाँ रखना है, ट्रेल पर, और A9 का हैंडल FS पे लॉक होना सुनिश्चित करना है। वर्किंग कैब में आना है, लोगों को जांच करने के बाद हमको 110 और 112.1 को ऑन करना है, ऑन करके BL को लगाना है ऑफ से डी। नोड इंफॉर्मेशन के अनुसार जब आप लोगों को एनर्जाइज करेंगे, VCB क्लोज करेंगे, और जैसे MR प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, तो कुछ सेकंड में आपके EBV स्क्रीन पे, EBV स्क्रीन मतलब जो छोटा सा स्क्रीन है, इसके ऊपर ये आपके जो A9 की बॉडी के ऊपर जो छोटा सा स्क्रीन है, उसको EBV स्क्रीन बोलते हैं। तो वहां पे एक मैसेज आएगा और उसमें लिखा होगा OK to run। तो आपको हैंडल को रन पे रखना, ठीक है। A9, तो आपका BP प्रेशर 5 kg आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया लोगों एनर्जाइज करना, मेन मेन बता दूं। तो मुझे कैब बदलना है ना। तो ये देखिए लिखा है, कैप बदलने के लिए कार्यरत कैप को डीएक्टिवेट करें। इसके लिए आपको क्या करना है, VCB ओपन किया हमने, ठीक
एलएसडीजे प्रकाशित होगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, एलएसडीजे प्रकाशित होगा, बीसीबी ओपन किया तो होगा। ये आपने क्या किया, बीसीबी ओपन किया, एलएसडीजे प्रकाशित हुआ, फिर पेंटो को लोअर किया और बीएल की को डी से ऑफ। आपको जो A9 को है, A9 का हैंडल है, उसको कहाँ रखना है, फुल सर्विस पे लॉक कर देना है, FS, FS यानी फुल सर्विस, लॉकिंग पिन है उसके द्वारा लॉक कर देना है। और आपको जो मोड स्विच है उसको ट्रेल पर रखना है, लीड पर था ना उसको हमने क्या कर दिया, ट्रेल पर रख दिया। तो हमने इसमें न्यूमेटिक में दो काम किया, पीसीबी ओपन, पेंटो लोअर तो हम करते ही है, डीएल की को भी निकालते हैं ऑफ पर रखकर, यहां पर हमने A9 FS पे लॉक और मोड स्विच ट्रेल, ये दो काम एक्स्ट्रा करने। और उसके जैसे मैंने E70 में बताया था, जो SA9 का हैंडल है उसका वही प्रोसीजर रहेगा, अगर आपका हैंड ब्रेक वाला लोगो है तो फिर आप उसको एप्लीकेशन पर ही छोड़ दें, और अगर पार्किंग ब्रेक वाला है तो SA9 के हैंडल को रिलीज पे कर दें, उससे कुछ होगा नहीं हालांकि, लेकिन प्रोसीजर यही। अब दूसरी कैब में आए, क्या किया, सबसे पहले SA9 को अप्लाई किया, ठीक है, फिर BL की को लगाया आपने, ऑफ पे लगा के डी पे किया। तो जैसे ही आप डी पे करते हैं क्या होता है, स्क्रीन पे नोड इन्फॉर्मेशन आता है, उसके अनुसार लोगों को एनर्जाइज करेंगे, और आपका जो A9 हैंडल है वो FS पे लॉक था, उसकी स्क्रीन पे आपको तुरंत मैसेज ये मिल जाता है, ओके टू रन, क्योंकि हमारा तो प्रेशर बना हुआ है ना, जैसे ही BL की लगाते हैं ये मैसेज आ जाता है, ओके टू रन, BP टारगेट 5 kg। तो आपको क्या करना है, उसको वापस रन पे रख देना है, क्योंकि FS पे था, रन पे रखना है, तो अब आपका 5 kg प्रेशर आएगा और नोड इन्फॉर्मेशन के अनुसार लोगों को एनर्जाइज करना है। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, भाई इम्प्रूव्ड CCB लोगों को, लोगों में कैप बदलना या इम्प्रूव्ड CCB लोगों को एनर्जाइज करना। तो ऊपर तो गोल गोल है, उसके नीचे की तरफ भी गोल है, ये वाला मैंने राउंड किया, इसको बेल रिंग बोलते हैं, बेल रिंग, जो अभी मैंने राउंड किया है, बेल रिंग। इससे होता क्या है, जो अभी मैंने राउंड किया ना नीचे, बेल रिंग से क्या होता है, जब आप A9 से ब्रेक लगाते हैं तो लोगो ब्रेक भी लगता है, कोएक्शन ब्रेक, तो हम जनरली क्या करते हैं, PVEF को दबाते हैं तो लोगो ब्रेक रिलीज होता है। तो ये बेल रिंग को भी अगर आप दबा के छोड़ देंगे, आपने A9 से ब्रेक लगाया है, लोगो ब्रेक लगा और बेल रिंग को दबा के छोड़ दिया, तो आपका लोगो ब्रेक रिलीज हो जाएगा, PVEF से भी रिलीज होता है, इससे भी रिलीज होगा, लेकिन इससे जल्दी रिलीज होता है, PVEF की तुलना में बेल रिंग दबाओगे तो जल्दी रिलीज होगा। कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि SA9 से लगा हुआ ब्रेक रिलीज होगा, SA9 से जो ब्रेक लगाओगे वो बेल रिंग से रिलीज नहीं होगा, बल्कि जो A9 से आप ब्रेक लगाते हो, जो कोएक्शन से ब्रेक लगता है, वो बेल रिंग को दबाने से रिलीज होगा। तो एक तो ये बेल रिंग है, दूसरा इसमें एक स्क्रीन है एक्स्ट्रा, ये मैंने बताया, जिसको EBV स्क्रीन बोलते हैं, ये दिख रहा है आपको चौकोर ये। तीसरा जो है इसमें न्यूट्रल पोजिशन नहीं होती है, तो सबसे पहले यहाँ नीचे दिख रहा है REL यानी रिलीज, फिर लिखा है रन, फिर MIN का मतलब होता है मिनिमम रिडक्शन, FS का मतलब होता है फुल सर्विस, उसके बाद इमरजेंसी, बस। तो ये पोजीशन है, 5 पोजीशन है इसमें, इसमें हैंडल अलग से नहीं मिलता है। मोड स्विच मैंने ये बताया, तो मोड स्विच में 4 पोजीशन होती है उसकी, टेस्ट। अब टेस्ट का यूज कब होता है, जब हम BP प्रेशर में लीकेज की दर को चेक करते हैं, यानी कि जैसे आपकी गाड़ी में BP प्रेशर नहीं आ रहा है, तो जो टेस्टिंग होता है आपके सुपरवाइजर के द्वारा, तो नॉर्मल लोगों में हम क्या करते हैं कि भाई BP चार्जिंग बंद करने के बाद देखते हैं, इसमें BP चार्जिंग कॉक नहीं होता है 70 नंबर का, ध्यान से सुनना, इसके न्यूमेटिक पैनल थोड़ा अलग है, उसमें 70 नंबर का कॉक नहीं होता है। तो यहां पर हम मोड स्विच को टेस्ट पर रख के BP लीकेज की दर को चेक करते हैं, तो टेस्ट का यूज होता है BP लीकेज की दर को चेक करने के लिए। और लीड मैंने बताया, हमेशा वर्किंग कैप में इसकी पोजीशन लीड पे रहेगी, नॉन वर्किंग कैप में ट्रेल पर रहेगी, और हेल्पर जो है HLPR, जब हम लोगों को बैंकिंग मोड के लिए तैयार करेंगे, तो मैंने बैंकिंग मोड बताया था आपको, जैसे मान लीजिए नॉर्स लोको है और आपको उसको बैंकिंग मोड के लिए किसी गाड़ी के पीछे लगाना है, सबसे पहले आपको लगा देना है लोको, ठीक है, आपने लोको अटैच कर लिया किसी गाड़ी के पीछे, BP पाइप जोड़ दिए, एंगल कॉक अभी नहीं जोड़ना, खोलने नहीं है, जोड़ दिए अभी। अब आपको लोको में क्या करना है, VCB ओपन करना है, ZB AN को
ऑन करना है जैसे E70 में करते थे, इसमें भी करना है। और उसके बाद मोड स्विच को हेल्पर पर रखना है, क्योंकि इसमें 70 नंबर क्वॉक नहीं होता है न्यूमेटिक पैनल पर, तो इसमें हम मोड स्विच को हेल्पर पर रखेंगे। उसके बाद जो आपने जोड़ा है जिस गाड़ी के पीछे, उसका पीपी पाइप जोड़ेंगे और एंगल क्वॉक खोलेंगे। तो यहाँ पर आपके इसमें बीपी गेज में फिर से 5 kg प्रेशर बताएगा और स्क्रीन पे मैसेज आएगा जो DDS का स्क्रीन है, लोको इज इन बैंकिंग मोड, आपको फॉल्ट एक्नोलेज कर लेना। तो SA9 हैंडल को रिलीज पर रखना है और A9 को वहीं पे रहने देना है। तो अब आपका इस लोको से बीपी चार्ज नहीं होगा, जब जरूरत पड़े तब आपको ट्रैक्शन देना है, जब आगे वाला लोको पायलट बोलता है। तो इसमें हमने खाली एक चेंज क्या किया, बैंकिंग बनाते समय 70 नंबर नहीं होता है, नहीं तो उसको बंद करते थे, उसके बदले हमने मोड स्विच को हेल्पर पर रखा। तो हेल्पर की बात हो गई, तो ये जो आपको दिख रहा है इनकी सारी बात हो गई। अब इसमें इसका जैसे मैंने बताया ना कि भाई इसमें न्यूमेटिक पैनल पर कुछ अलग है, मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ और उसके बाद इसमें क्या क्या दिक्कत आती है प्रॉब्लम और उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ इसकी न्यूमेटिक पैनल, क्योंकि उससे थोड़ा हटके है E70 वाले जो लोको हैं, उससे थोड़ा सा इसका न्यूमेटिक पैनल अलग है। तो मैं पहले उसकी बात कर लेता हूं और उसके बाद फिर आपको इसमें जो जो प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। चलिए अभी लगे हाथों हम ये डेड की भी बात कर लेते हैं। अगर आप अभी हमने डेड लोको पढ़ा था ना, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, तो ध्यान से सुनना, E70 वाले लोगों को डेड बनाने का प्रोसीजर अभी हमने पढ़ा। अब अगर उसकी जगह इम्प्रूव्ड CCB है तो उसमें क्या अंतर है वो ध्यान से आप सुनना। देखिए इसमें जो न्यूमेटिक पैनल है उसमें एक तो मैंने आपको ये बताया कि 70 नंबर का कॉक नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, सोलोनाइट 30 होता है लेकिन उसमें 22 और 23 नंबर नहीं लिखा है, बटन वैसे ही है लेकिन उनका नाम पार्किंग ब्रेक एप्लीकेशन और पार्किंग ब्रेक रिलीज रखा है, यानी शॉर्ट में लिखा रहता है PBAPP और PBREL। ये आपको नीचे फोटो है, देखिए ये देखिए, यहां पर क्या होता है आपका सोलोनाइट 30 तो है लेकिन जैसे उसमें हम राइट साइड में देखते थे तो क्या आता था, 22 नंबर आता, ये सोलोनाइट 30 है। तो राइट साइड में यहां पर जो ये दिख रहा है ना लाल रंग का, यहां पर इसको 22 नंबर बोलते थे तो उसकी जगह यहाँ PBREL लिखा मिलेगा, यानी पार्किंग ब्रेक रिलीज, और यहां पर आपको मिलेगा PBAPP लिखा हुआ, यानी पार्किंग ब्रेक एप्लीकेशन। और दूसरी चीज क्या है कि ये लॉक नहीं होगा, जैसे उसमें लॉक हो जाता था ना अप्लाई में या रिलीज में, तो इसमें अगर आप दबाओगे और छोड़ दोगे तो वापस बाहर आएगा, लॉक नहीं। तो एक तो ये अंतर हो गया, आप सोलोनाइट 30 को अप्लाई में या रिलीज में लॉक नहीं कर सकते, काम ये भी वही करेगा, ये हो गया। अब मुझे डेड बनाना है इंप्रूव CCB को, तो ध्यान से सुनना, E70 वाले से हम तुलना करेंगे और जो चीज एक्स्ट्रा है वो करेंगे। कैब में क्या करेंगे, रोटेटर बंद, पेंटो लोअर, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करेंगे, A9 को FS पे लॉक कर देंगे। उसमें क्या करते थे, A9 को न्यूट्रल पे रख के निकालते थे, इसमें तो न्यूट्रल है ही नहीं, इसमें FS पे लॉक करेंगे। मोड स्विच को ट्रेल पर रखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कैप में A9 कहाँ है, FS पे लॉक, और दोनों कैप में मोड स्विच की क्या पोजीशन हो गई, मोड स्विच की ट्रेल हो गई, पीछे तो ट्रेल रहती है ना, तो यहां भी ट्रेल में कर देना और SA9 के हैंडल को रिलीज करेंगे। तो कैप में क्या हो गया, PCB ओपन, पेंटो लोअर, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ, A9 को FS पे लॉक, मोड स्विच कहां पर, ट्रेल पर, SA9 रिलीज पर। मशीन रूम में वही काम करेंगे, MRAR को ड्रेन करेंगे, ड्रेन कॉक को बंद करेंगे, 112.1 को ऑफ करेंगे। न्यूमेटिक पैनल पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, न्यूमेटिक पैनल पे चेंज है क्योंकि यहाँ 70 नंबर नहीं है, तो हम न्यूमेटिक पैनल पे 74, 136 बंद करेंगे, 70 तो है ही नहीं इधर, 47 है उसको खोलेंगे, ध्यान से सुनना, 74 और 136 को बंद करेंगे, 70 नंबर तो है ही नहीं, 47 को खोलेंगे और 51, 52 भी बंद करेंगे,
डिस्ट्रीब्यूटर वाल के द्वारा हम लोको ब्रेक को रिलीज करेंगे। अगर फिर भी रिलीज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आता है जिसको हम बोलते हैं टीपी 16, टेस्ट पॉइंट 16 और टेस्ट पॉइंट, अभी मैं दिखाता हूं आपको न्यूमेटिक पैनल पे, उसको दबाकर हम लोको ब्रेक को रिलीज करेंगे। और उससे भी नहीं हो रहा है टीपी 16 और टीपी 20 से, तो बोगी सीओसी काट के हम रिलीज करें, लोको ब्रेक रिलीज कर दिया। अब लाइव लोको जो जोड़ा है उसके बीपी पाइप एपी पाइप जोड़ के एंगल को खोल दिए, क्योंकि यहां पर पार्किंग ब्रेक को हम रिलीज लॉक नहीं कर सकते अप्लाई में या रिलीज में, तो हमको केवल क्या करना है, यहां पर जो PBREL लिखा है सोलोनाइड 30 में, इसको दबा के छोड़ देना। जैसे ही आप पीबी रिलीज को दबा के छोड़ेंगे तो डेड लोको के पार्किंग ब्रेक सिस्टम में 5 kg प्रेशर जाएगा और उसका पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएगा, नीचे उतर के इंश्योर कर ले। बाकी का प्रोसीजर वही रहेगा, 500 मीटर चलने के बाद व्हील का टेम्परेचर ये सारा। और जब आप अनकपल करेंगे उस समय, क्योंकि इसमें लॉक तो कुछ किया ही नहीं है, जब भी अनकपल करेंगे तो उस समय क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, डेड लोको में जाके खाली 23 नंबर को दबा के छोड़ दो। तो पार्किंग ब्रेक सिस्टम में जो 5 kg प्रेशर था, जैसे ही आप 23 नंबर दबाओगे वो निकल जाएगा, पार्किंग ब्रेक लग जाएगा और आप अनकपल कर दो। तो ये डेड बनाना हो गया, नॉर्थ लोको डेड बनाना, कोई डाउट है किसी को?